आपके सामने हाजिर है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और यमी सी एक डिजर्ट लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपके लिए, आप देख ही सकते होंगे, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बनावटी पाई, मगर थोड़ी सी डिफरेंट है और इसको मैं केक के साथ बनाऊंगी, स्पंज के साथ। नॉर्मली बिस्किट्स के साथ बनाते हैं, बट हम बिस्किट्स का नहीं बनाएंगे, हम केक के स्पंज के साथ बनाएंगे। तो मैंने केक का स्पंज ले लिया है, आप देख सकते हैं ये केक का स्पंज है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैं बना चुकी हूँ केक का बेसिक स्पंज, तो वो आई बटन में आप चेक कर सकते हैं। तो एक केक का स्पंज लिया है मैंने, साथ यहाँ आपको बनानाज नज़र आ रहे हैं, केले ये मैंने कट कर लिए हैं, ये एक डेढ़ प्यालियाँ हैं, 6-7 बनाना है, अब वो जितने इसमें जाएंगे हम देखते हैं। और पाई, एक पाई डिश है हमारी। साथ ही आपको बटर स्कॉच सॉस है, और इसकी वीडियो, इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए बटर स्कॉच सॉस की, तो वो मेरी आप हाउ टू की एपिसोड में चेक कर सकते हैं, वो भी आई बटन में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं। साथ ये व्हिपिंग क्रीम है जिसको मैंने व्हिप करके रख लिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड व्हिप नहीं करना, हमने थोड़ा थोड़ा सा व्हिप करना है। अब हम सबसे करेंगे, एक डिश के अंदर केक को लगाएंगे, रखेंगे, और उसके बाद सबसे पहले सिला रखेंगे हम ये बटर स्कॉच सॉस, इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही मज़ेदार किस्म की का ये डिज़र्ट है, इसको आप अपनी पार्टीज में बनाइए, इवेंट्स में बनाइए, बहुत आपको मज़ा आएगा, और इसको अच्छा सा ठंडा सा करके सर्व कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे, और ये जो व्हिपिंग क्रीम है इसके अंदर हम ये बटर स्कॉच सॉस 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, ताकि ये बिल्कुल जो वाइट वाइट है इसका कलर थोड़ा सा तब्दील हो और इसका टेस्ट मजीद ज़बरदस्त सा हो जाए। याद रखिएगा इसको बहुत अच्छा सा ठंडा कीजिएगा, तो ये बहुत मज़ा आएगा आपको इसको खाने में। इसको ऐसे करके आप साइड में छुपा भी सकते हैं, तो इसको पूरा ऐसे करके देते हैं, क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये साथ में अच्छा लगेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस मिल सकें, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। इसको जरा से मैं क्लीन करती हूँ। अब जो हमारे पास ये बटर स्कॉच सॉस है, हम इस पर से लेंगे और ये ऐसे करके ड्रिजल होगा, ठीक है, हमने क्या करना है इसको ऐसे करके ध्यान से ऐसे चलाना है। या
आप डेकोरेट कर सकते हैं जो आपको समझ आ रहा है। अब मैं क्या करती हूँ आपको बताती हूँ। ओके, अब एक टूथपिक ले गए हम और इसको ऐसे करके इसको हल्के हाथ से ऐसे कर देंगे ताकि ये मज़ीद अच्छा सा डिज़ाइन मिल जाए। या अगर थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड होता तो हम इससे सॉस हमारा तो हम इससे स्पाइडर वेब बनाते, लेकिन ये भी कुछ बन ही गया बहुत अच्छा सा। ग्लेज चेरीज है ये जबरदस्त बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा बनौफी पाए रेडी हो चुका है। थोड़ा सा डिफरेंट है, केक के साथ बनाया है तो आपको बहुत पसंद आएगा। बिस्किट के साथ भी बहुत मज़े का लगता है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा मीठा लगता है तो हमने डिफरेंट किया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। और प्लीज़ इसको बनाइएगा, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के तरह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।